गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास एम ए फाइनल गर्ल्स। देखिए हम लोग गुप्त प्रशासन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने गुप्तों के शासन की केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, जिलों की व्यवस्था, नगरों का प्रशासन, गांव का प्रशासन, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि गुप्तों ने अपने शासन को बलि भांति चलाने के लिए अन्य भी कुछ विभाग स्थापित कर रखे थे, तो हम लोगों ने उन विभागों में राजस्व विभाग के बारे में कल थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम राजस्व विभाग के अलावा जो और विभाग थे उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं गुप्त प्रशासन के जो अन्य विभाग थे, ठीक है। तो गुप्त प्रशासन के इन विभागों में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हम आज चर्चा में कर रहे हैं वो था न्याय विभाग, ठीक है। तो देखिए अगर हम न्याय विभाग की बात करते हैं तो गुप्तकालीन जो नारद स्मृति है उससे हमें ये पता चलता है कि चार प्रकार के न्यायालय थे गुप्तकाल में, चार प्रकार के न्यायालय थे। और ये जो चार प्रकार के न्यायालय थे कौन कौन से थे? कुल, श्रेणी, गर्द और राजकीय न्यायालय, ठीक है। देखिए कि इसमें जो पहले तीन थे कुल, श्रेणी और गण, प्रथम तीन ये जो न्यायालय थे ये जनता के न्यायालय थे, और ये जो चौथा न्यायालय था ये सरकारी या राजकीय न्यायालय था, ठीक है। तो अगर इन तीनों न्यायालयों के जो से हमें जो फैसला मिला है, अगर हम इस फैसले से अगर लोगों को संतुष्टि नहीं होती थी तो लोग राजकीय न्यायालय में जाते थे, ठीक है, या फिर छोटे न्यायालयों के विरुद्ध अपील करने के लिए लोग ये राजकीय न्यायालय में जाते थे, ठीक है। और ये जो न्याय विभाग बना हुआ था, इस न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था उसे न्याय स्थिति स्थापक कहा जाता था, न्याय स्थिति स्थापक कहा जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा जो राज्य में न्याय की जो अंतिम शक्ति होती थी वो किसके पास होती थी? राजा के पास न्याय की अंतिम शक्ति होती थी। सर्वोच्च जो न्यायाधीश था अंत में वो राजा ही होता था। राजा द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, ठीक है। ये हम लोगों ने न्याय विभाग में न्याय के बारे में जाना कि किस तरह से न्यायालय में न्याय की जो प्रक्रिया थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इन न्यायों में, ये जो न्यायालय में जो निर्णय होता था, अगर व्यक्ति कोई दोषी पाया जाता था तो दंड संहिता कैसी थी, ठीक है। तो अगर हम गुप्त काल में दंड विधान की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गुप्त काल था उसमें दंड विधान क्या था? अत्यंत ही उदार दंड विधान था। और देखिए हम गुप्त काल में चीनी यात्री फायान आया था हमारे यहाँ, तो फायान के लिखों से भी हमें पता चलता है कि गुप्त काल में अपराध क्या है बहुत ही कम होते थे, अपराध भी बहुत कम होते थे और दंड विधान भी क्या था बहुत ही उदार था, बड़े कोमल दंड दिया जाता था। प्राण दंड है या शारीरिक यातनाएं हैं ये सब नहीं दी जाती थी। अपराध के अनुसार केवल अर्थ दंड ही लगता था, अर्थ अर्थ मतलब पैसा, अर्थ दंड ही दिया जाता था, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बारी बारी अपराध करता था, ठीक है, बारी बारी राजद्रोह करता था तो उसके लिए उसका दायना हाथ काट दिया जाता था, ठीक है। तो इस विवरण से हमें पता चलता है कि गुप्त काल में दंड विधान बहुत ही उदार था और लोग क्या है नियमों का पालन करते थे, तभी तो अपराध कम होते थे। अगर देखिए अपराध का क्या मतलब, हम लोगों ने नियम तोड़ा तो वो क्या है? अपराध है, ठीक है। तो लोग नियमों का पालन करते होंगे तभी क्या होता था, अपराध गुप्त काल में बहुत ही कम होते थे, ठीक है। अब देखिए अगला विभाग देखते हैं हम, गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण अगला विभाग है सेना विभाग, ठीक है। तो देखिए गुप्त काल अगर हम सेना की बात, सैन्य विभाग की बात करते हैं तो गुप्त काल की जो सेना थी, सेना के कितने अंग थे? चार अंग थे, ठीक है। तो गुप्त काल में सेना के चार अंग कौन थे? हस्ती हाथी सेना, अश्व घुड़सवार सेना, रथ रथ वाली सेना, ठीक है, पदाति पदाति मतलब पैदल
सेना, सेना के ये चार अंग थे, ठीक है। और सेना विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था, सेना विभाग का, उसको क्या कहा जाता था, संधि विग्रहिक कहा जाता था। सेना विभाग के अधिकारी को संधि विग्रहिक कहा जाता था। और इसके अधीन और भी अधिकारी होते थे, ये नहीं है कि सेना विभाग का अधिकारी है तो सारे नियंत्रण ओनली इसी के हाथों में होता था। तो इसके अधीन कई अधिकारी होते थे जिनको अलग अलग काम बांटे हुए थे, जैसे महासेनापति हो गया, बलाधिकृत हो गया। देखिए, बलाधिकृत से तात्पर्य है सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी। नियुक्ति मतलब वो जांच परख करता था कि वास्तव में ये सेना के योग्य है या नहीं। इसके अलावा रस भंडागारी अधिकारी होता था, ये रस भंडागारी अधिकारी सैनिकों का जो सामान होता था उसका ये अधिकारी होता था। इसके अलावा सेना के जो अधिकारी थे संधि विग्रह, इसके अधीन एक भट्टाशवापति नाम का भी एक अधीन अधिकारी था। और ये जो भट्टाशवापति था, ये पैदल और जो घुड़सवार सेना थी, ये उनका अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो गुप्त काल में हमें चार चतुरंगनी सेना के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, समुद्रगुप्त के जो एरन अभिलेख है उससे हमें केवल हाथी और अशोक का ज्यादा उल्लेख मिलता है, क्योंकि उनका रथ क्या होता था, भारी होता था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय के लिए हस्ती और अशोक सेना का ज्यादा प्रयोग किया था। देखिए, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने सिंगल है या अन्य द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि गुप्तों ने नौ सेना को भी अपनी सेना का एक अंग बना रखा था, तभी उन्होंने सिंगल और अन्य द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि गुप्तों की जो सैन्य व्यवस्था है, कि गुप्त जो सम्राट थे उनके अधीन अनेक सामंत होते थे जो समय समय पर इन गुप्त राजाओं को आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता उपलब्ध करवाते थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने गुप्तों के सैन्य विभाग के बारे में जाना। अब देखिए, हम आरक्षा विभाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आरक्षा विभाग से तात्पर्य है कि देश के अंदर, देश के भीतर, देश के में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए, अंदर ही अंदर शांति बनाए रखने के लिए जो विभाग था उसे आरक्षा विभाग कहा गया था, ठीक है। और इस आरक्षा विभाग का जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, दंड पाशाधिकारी कहा जाता था, ठीक है। और इस दंड पाशाधिकारी के अधीन अनेक अधिकारी होते थे, ठीक है। इस दंड पाशाधिकारी के अधीन एक तो चोराधिकारी होता था और एक दंड पाशी होता था। देखिए, जो चोराधिकारी होता था, चोराधिकारी का काम था कि चोरों को पकड़ने वाला था, ठीक है। और जो दंड पाशी का अधिकारी था, ये लाठी और लाठी वाले जो सिपाही होते थे, चलो घूमते रहते थे कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है। तो ये दंड पाशाधिकारी के अधीन ये अधिकारी होते थे जो देश के अंदर ही शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल में साम्राज्य में भी सुरक्षा का विशेष प्रबंध था, ठीक है। तो देखिए, जो फायान है वो अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि मैंने लंबी दूर, गुप्त काल में जब आया था, कि मैंने लंबी दूर पैदल यात्रा की और मुझे कहीं भी रास्ते में कोई भी चोर डाकू नहीं मिले थे, ठीक है। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण विभाग गुप्त काल का, लोक कल्याणकारी विभाग। देखिए, गुप्त राजा क्या थे, लोक कल्याणकारी राजा थे, हाँ, अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति समझते थे। और देखिए, कालिदास गुप्त काल के जो महाकवि हुए हैं, उनके जो नाटक हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, उससे भी हमें गुप्त काल का जो शासन का स्वरूप था, आदर्श स्वरूप की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास के विवरण से भी पता चलता है कि गुप्तों की जो शासन व्यवस्था थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से की हुई थी, और ये लोग प्रजा के हित में ही अपना हित समझते थे और एक आदर्श अनुशीलन अपनी प्रजा के साथ करते थे। और इन्होंने देश में आवागमन के लिए अनेक सड़कें बनवाई, अपनी जनता के लिए सिंचाई के लिए अनेक कार्य किए, पानी की झीलें बनवाई, पोखर बनवाए, ठीक है।
देखिए फायन से हमें पता चलता है कि उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय बने हुए थे, चिकित्सालय बने हुए थे और यहाँ पर रोगियों की क्या होती थी, मुफ्त चिकित्सा होती थी। शिक्षा और विद्या के लिए भी राज्य के द्वारा विशेष प्रबंध किया गया था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल जो था उसमें ये स्पेशल विभाग बना हुआ था, लोक कल्याणकारी विभाग। ये अपनी जनता के सुख दुख के प्रति काफी संचेत थे और अपनी जनता के सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझते थे। ठीक है, तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं, स्मिथ के शब्दों में इतिहासकार बी एम स्मिथ ने यहाँ लिखा है कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी भी नहीं हुआ, गुप्त काल से अच्छा शासन भारत में कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने गुप्त प्रशासन को कंप्लीट किया और आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है और कल की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।